बिल्कुल सही किया आपने उन लोगों के साथ, आपको कमजोरी समझते हैं हमेशा से जी। उजूरी जो की है आपने सारी जिंदगी, अब आपके किसी भी फैसले के आगे कोई भी खड़ा होने से पहले 100 बार सोचेगा। हाँ, पहले मुझे लगा कि मुझे कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, फिर मैंने सोचा कि अगर अभी ये कदम नहीं उठाया तो कभी भी नहीं उठा। मेरे हिसाब से तो फिर भी बहुत देर कर दी आपने, अभी हर देर आए दुरुस्त था। आपने देखा ना इस फैसले से कितना फायदा हुआ है आपको। अब अगर मेरे लिए सब बहुत मुश्किल था सब घर वालों ने मुझे अलग कर दिया है, मैं एक तरफ खड़ा। अभी तो सब इसलिए खामोश हैं कि बिजनेस के हालात ठीक नहीं चल रहे, लेकिन मुझे डर है शायद आगे जाके मुझे इससे बड़े फैसले करने पड़ जाए। फैसले तो करने पड़ेंगे ना अभी, सहीन भाई की जगह लेनी है तो उनके जैसे फैसले भी लेने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन मुझे अफसोस है मैम, ये सब कुछ मुझे इस तरह करना पड़ रहा है। वो लोग मुझे नौकर समझते हैं, तो पहले जही भाई की नौकरी करता था, अब इन लोगों की नौकरी करें। मैंने इतनी कुर्बानियां दी हैं वो किसी को नजर ही नहीं आती। आइला, मैं इन सब लोगों में अपने आप को अकेला पाता हूँ। अकेले नहीं है अभी, मैं हूँ आपके साथ हर कदम पर। जब पलट कर देखेंगे ना मुझे, झुकने पीछे ही पाएंगे। चाहे कुछ भी हो, खुशी गम जीत हार फायदा नुकसान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, कुछ भी कर सकती हूँ आपके लिए। मुझे माफ कर दो राहिला। माफी क्यों मांग रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं, शर्मिंदा तो मैं हूं। मैंने हमेशा उन लोगों को तरजीह दी तुम्हारे मुकाबले में जिन्होंने वक्त आने पे मेरा साथ छोड़ दिया। तो अपने आप को कसूरवार मत ठहराए। नहीं, मैं गलत था। जिन्हें मैं अपना समझता था वो कभी मेरे अपने थे ही नहीं, और जो मेरा अपना था उसे मैं कभी देख ही नहीं सका। मुझे आपसे कुछ शिकायत है ही नहीं इतनी सी भी। तो तुम्हारा बड़ा बनेदार आयदा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है पता है। मैं वादा करता हूँ तुमसे अपनी सारी गलतियाँ सुधारो, मैं तुम्हें वो अहमियत दूंगा, वो हैसियत दूंगा अपनी जिंदगी में जो पहले नहीं थी। बहुत अच्छे, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि क्या आप मेरी जिंदगी में आए। नहीं, मैं खुशकिस्मत हूँ तो तुम मेरी जिंदगी में आए। क्या करूं, नहीं इसको यहां तो नहीं रख सकती। अरे ये क्या कर दिया,
वो प्रेमी पढ़ाई कर रही थी तो ध्यान नहीं था तो बोल। पढ़ाई पे तवज्जो दोगी और किसी चीज पे नहीं? अगर इसी तरह रहा ना तो नुकसान होता रहेगा। जी जी बढ़िया मैम। जिंदगी में और भी काम होते हैं पढ़ाई के अलावा। हाँ तो तुमसे एक बात कहने आई थी कि आज से रात का खाना तुम बनाओगी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन बढ़िया मैम मुझे। लेकिन क्या, ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है। हमें तो शादी के अगले दिन से बाबरची खाने की सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी। बढ़िया मैम अब्बा ने जो कुछ भी किया ना उसका गुस्सा आप मुझ पे क्यों निकाल रही हैं? और उन्होंने जो कहा जो किया उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था, ना ही मेरा कोई कसूर था, तो उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? ये रात के खाने का फैसला दादी का है और जो कुछ तुम्हारे अब्बा ने कहा उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। और इतनी बड़ी बात भी नहीं है, सिर्फ एक वक्त का खाना तो है। बड़ी अम्मी आप समझ नहीं रही, मेरे पास सिर्फ रात का वक्त होता है जिसमें मैं सुकून से पढ़ सकती हूँ। हाँ तो वक्त बदल लो ना। तो आखिर को देखो वो ऑफिस भी जाता है पढ़ाई भी करता है, उसी तरह तुम पढ़ाई भी कर सकती हो और किचन भी संभाल सकती हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ अगर कोई ज्यादा मसला है तो अपनी दादी से खुद बात कर लेना। वैसे मेरा मशवरा तुम्हें यही होगा कि तुम अपनी पढ़ाई को और घर के कामों को बैलेंस करो, वरना किसी एक काम से हाथ धोना पड़ जाएगा तुम्हें। तो तुम अच्छी तरह जानती हो वो कौन सा काम होगा। अस्सलाम वालेकुम चाचू, आप मेरे ख्याल से गलत जगह बैठ गए, मेरी चेयर ना। तुम्हारी कुर्सी कब से हो गई भाई? बाबा की थी, उनके जाने के बाद मेरी हुई, और जब पहली दफा ऑफिस आया था तब आपने बिठाया था यहाँ पे। मैंने तुम्हें अगर कह दिया था तो तुम सीरियस हो गए? अभी तुम बच्चे हो, यहाँ बैठ जाओ इधर सामने। ऐसा ऐसा नहीं कर सकते आप मेरे साथ। क्या मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? ये बिजनेस है और बिजनेस का उसूल होता है, तुम यहाँ बैठोगे सारा दिन मोबाइल पे लगे रहोगे, वक्त बर्बाद करोगे और कुछ नहीं। अरे हबीब से बात कर रहे हो? आप हमारे बीच में मत बोले, जानबूझ के करें ना आप ही, ताकि मैं बिजनेस से साइड हो जाऊं। इसलिए नहीं, तुम्हें अभी अपनी अम्मी को ये दिखाना है कि तुम यहाँ आ रहे हो ऑफिस, अभी तुम्हें काम नहीं आता है, तुम बच्चे हो, जाओ जाकर वर्कर्स के साथ बैठो, उनके साथ लगो, काम सीखो। अब मुझे लगेगा कि तुमने काम सीख लिया है, तुम इस कुर्सी के अहल हो गए हो, तो फिर मैं यहाँ से खुद हट जाऊँ। ठीक है, बात किस तरह कर रहे हैं मुझे जरा बताए। तुम चलो बाहर चलो। क्या बात कर रहे हैं मुझसे? मैं करता हूँ ना बात, चलो चलो चलो। देखिए आपने उनकी क्या कर रहे हो, देखिए उनको जाके। मैं देख रहा हूं, मैं भी, मुझे भी बहुत गुस्सा है। तो अभी बहस करने का कोई फायदा नहीं है, खामखा ऑफिस में तमाशा होगा, वर्कर्स को यह पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे दरमियान कोई मसला चल रहा है। तो थोड़ा सब्र रखो, वक्त खुद ही हबीब को बता देगा कि उसकी जगह क्या है। जज्बात को काबू में रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बस चलो ठीक करो, चलो चाय पीते चलो। आओ ब्राउन हुआ? नहीं अम्मी, थोड़ी सी हुई है ब्राउन। थोड़ा सा ब्राउन तो हो रही है, जलाना दी उस लड़की ने, या अल्लाह हटो। हाय हाय नहीं, क्या किया तुमने बेटा? मैंने कहा ना जब ब्राउन हो जाए तो गुड़ डाल देना। तो आप मुझे क्या पता कि ये जल गई है या पक रही है, क्या होती है? आप बता दी ना कौन सा शेड ऑफ ब्राउन। खुदाया क्या करूं मैं, तुम जाके आलू काटो और छीलो, मैं आती हूँ। कमाल कर दिया इस लड़की ने, जला दी है, देखो तो चौ। अम्मी
क्या कर रही हो अब तुम? एनी क्या कर रही हो ये? इस तरह कौन काटता है, कौन छीलता है? आधे से ज्यादा आलू तुमने छिलके में डाल दिया, हटो मैं कर दियो। तो मम्मी मुझे नहीं आता ना ये सब करने, और ना ही मुझे ये सब करना है। आप लोगों ने पता नहीं क्यों मुझे किचन में डाल के खड़ा कर दिया है। कहो बैठा मैंने, सीख लो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो खेल से फुर्सत नहीं थी। बड़ा नाश था ना तुम्हें, हमारी बड़ी अम्मी पर इसे सास बन के रह गई हैं। बड़ी अम्मी पहले अच्छी थी, पानी क्या हो गया उन्हें? गलत फहमी है तुम्हारी, बड़ी अम्मी ऐसी नहीं थी। अभी तो सिर्फ तुम्हें रात के खाने का बोला है ना, फिर नाश्ते का, फिर दोपहर का खाना, फिर झाड़ू, फिर पोछा, सारे काम, सारी जिम्मेदारी। पढ़ाई से खुद ही मना कर दोगे तुम? अब मैं क्या करूँ अम्मा, आप बताएं। कुछ नहीं करो, बर्दाश्त करो। मुझे तो लगता है तुम्हारी भी जिंदगी मेरी तरह इसी किचन में गुजर जाएगी। तुम्हारे लिए कुछ चाकर भी नहीं कर सकते। अम्मा आप नहीं जानती चाचू ने कितनी बेइज्जती करी मेरी सबके सामने। ऑफिस में सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई मालिक नहीं, छोटा मोटा मुलाजिम हूँ। इधर आके बैठो, आओ ना बैठो। देखो फाखिर, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि हबीब जो है वो तुम्हारे लिए हर किस्म की परेशानी पैदा करेगा, ताकि तुम किसी भी बहाने ऑफिस छोड़ के चले जाओ। वो तुम्हें उकसाएगा भी, ताकि तुम किसी भी छोटी मोटी बात पर उसे लड़ पड़ो और दुनिया के सामने तुम बुरे बनो। फाखिर इन्हीं दाव पेज और इन्हीं चलाकियों से तो बचना है। तक होता रहेगा ये सब, वो रोज मुझे ऐसे विजिट करेंगे और मैं सुनता रहूं, खामोश रहूं। अपने जज्बात पे काबू रखो फाखिर, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब ऐसा कुछ सोचो, हबीब की बात गलत भी तो नहीं है ना, इस कारोबार कुछ भी नहीं पता है तुम्हें इसके बारे में। तुम्हें सीखना होगा जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, सोबतें उठानी पड़ती हैं, ऐसे कुछ नहीं मिलता। कारोबार आसान काम नहीं है, तुम्हें इन्वेस्टर्स लाने होंगे, कॉन्टैक्ट्स बनाने होंगे। देखो सब्र से काम लो और अपने इस कारोबार को सीखने की कोशिश करो। उसके बाद जमशेद के पैसे उसके मुंह पर मारना और हबीब को उसकी जगह पर रख सकते हो। देर हो जाएगी यहाँ, जब तक चाचों के कदम मजीद मजबूत हो जाएंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन ये वक्त तो लगेगा। लेकिन फाखिर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं। हबीब के कदम मजबूत जरूर है, देखो मेरी तरफ, लेकिन उसके कदमों के नीचे जो जमीन है ना, तुम्हारी है। और ये जमीन तुम किसी भी वक्त उसके कदमों के नीचे से खींच सकते हो। इसलिए जब तक तुम्हारे कदम मजबूत नहीं हो जाते ना, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। अभी कुछ भी कर लो, बस अपने मकसद पर डटे रहो। समझ रहे हो मेरी बात?